गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को भौतिक जगत के बारे में समझाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने आपको विज्ञान शब्द के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। साथ ही पहले वीडियो में मैंने आपको भौतिक विज्ञान का अर्थ भी समझाया था और मैंने आपको ये बताया था कि भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति या प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कुछ घटनाओं के बारे में मैंने कल आपको बात भी की थी, आज हम इससे रिलेटेड कुछ और अच्छी बातें करते हैं। आइए देखें, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रह, तथा वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम बोलते हैं उपग्रह। तो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाना या उपग्रह का ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना या ग्रह का तारों के चारों ओर चक्कर लगाना, ये क्यों होता है? इसका जो मुख्य कारण है क्या है, क्यों कोई ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है या क्यों कोई उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगाता है, इसका जो मुख्य कारण जो समझ में आता है वो आता है गुरुत्वाकर्षण। आपने नाम सुना होगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। मैंने आपसे कहा ना, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी का अध्ययन जो है आप जिसके अंदर जिस शाखा के अंदर करते हो विज्ञान की, उसी का नाम है भौतिकी। तो ये भौतिकी है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी आपको पढ़ना है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं इतनी तेज फेंकना चाहता हूं कि ये दोबारा लौटकर पृथ्वी पर ना आए। मैं चाहता हूं ये इतनी तेज फेंकू इसको कि ये वापस से लौटकर पृथ्वी पर ना आए, है ना? तो इस मार्कर को मुझे ऊपर फेंकने के लिए कितनी स्पीड देनी पड़ेगी? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, अगर इसी मार्कर को मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूं, अगर मैं इस मार्कर को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूं तो डेफिनेटली ये अर्थ की ग्रेविटी को चीरता हुआ पार निकल जाएगा और दोबारा लौटकर अर्थ पर नहीं आएगा। इसको हम लोग पलायन वेग कहते हैं। इसको हम पलायन वेग कहते हैं। हमने क्या है ये सब चीजों के बारे में पढ़ा तो है, हमको ये पता भी होगा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपका वह वेग होता है जिसके बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, किसी वस्तु को फेंके, तो वो पुनः लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। लेकिन इनका हम विस्तृत अध्ययन नहीं किया है हमने चीजों का, तो अब हमको इन सब चीजों का अध्ययन भी करना है। हमें ये वैल्यू निकाल के भी बतानी है कि कैसे आएंगे, ठीक है ना? इसका अध्ययन भी अपन को करना है। आगे देखिए आप, ये तो ये गुरुत्वाकर्षण की बात, दूसरा एक और देखिए। मैंने कल आपसे एक बात की थी, वायुयान के पंख, वायुयान का उड़ान, वायुयान का उड़ान जो है वो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसका नाम है बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत आपने देखा है ये सब। एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को के घर में सबके यहां स्प्रेयर तो होगा, स्प्रेयर यानी पिचकारी। पिचकारी में क्या होता है कि नीचे की तरफ लिक्विड भरा होता है, आप यहां से यूं करते हो वो फुहार के रूप में बाहर आता है, देखा है ना आपने पिचकारी में? पिचकारी में नीचे किस तरह से, पिचकारी में नीचे लिक्विड भरा होता है और यहां से लिक्विड ऊपर जाता है और यहां ऐसे फुहार के रूप में आता है, या कभी जब बाल कटाने जाते हैं तो नाई की दुकान पर इस तरह का एक होता है पिचकारी।
कभी ये दिमाग में नहीं आया कि पानी नीचे से ऊपर क्यों चढ़ता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, जबकि हम तो ये पढ़ के आए हैं कि हर चीज पर लगता है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के कारण तो वस्तु ऊपर से कहां आती है, नीचे आती है। तो ये पानी का नहीं समझ पाए, हम इस चीज को भी नहीं समझ पाए, है ना। ये जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो बर्नौली का सिद्धांत ही है, ठीक है। और बताता हूं मैं आपको, हार्ट अटैक आप सोच रहे होंगे सर बायोलॉजी कहां से स्टार्ट होगा फिर। हार्ट अटैक में क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, धमनी और शिराएं होती हैं जो खून को लाने और ले जाने का काम करती हैं। जब वो अंदर से बाधित हो जाती है, यानी कि उनके अंदर कचरा फंस जाता है, तो कचरा फंस जाने के कारण उस जगह से मतलब ब्लड यानी रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता, जिससे हृदय को धक्का लगता है। ये भी जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। गेंद का चक्रण ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। सीधी गेंद फेंकिए, टप्पा खाके सीधी चली जाएगी, लेकिन घुमावदार गेंद फेंकिए वो सीधी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो हर चीज में बेटा फिजिक्स लगती है, हर छोटी से छोटी चीज में फिजिक्स लगती है। आप जैसे हमारा लिखना पढ़ना चलना इन पर भी फिजिक्स लगती है। अगर मान लीजिए मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कहा जाए साइकिल चलाइए रोड पर, आप बहुत अच्छी तरीके से साइकिल चलाएंगे, और उसी साइकिल को आपको कह दिया जाए मिट्टी में चलानी है, रेत में चलानी है, तो आप कठिनाई अनुभव करेंगे, रेत में साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इवन एक बात और, ऐसा क्या होता है रेत में कि रेत में साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है, घर्षण। रेत में इतना घर्षण लगता है कि साइकिल खिंचेगी नहीं, उतर की भली ले जाना, चला के तो नहीं ले जा पाएंगे। घर्षण एक सीमा तक अगर हो तो बहुत बढ़िया, अगर एक सीमा से ज्यादा हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप जिस कागज पर लिखते हो वो कागज भी स्मूथ नहीं होता, यानी चिकना नहीं होता, घर्षण होता है। पेन और कागज के बीच में घर्षण लगता है तभी आप लिख पाते हो। इसलिए मैंने बोला था हमारा लिखना बोलना चलना ये सब घर्षण पर आधारित है। बोलना कैसे, आप मान लीजिए मुंह में आपने टॉफी लगा रखी और टॉफी खा के अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉफी खाएंगे तो आपके मुंह में लार बनेगी, और लार बनने से आपकी जवान जो है वो फिसलेगी। वही कारण है आप जैसे रोड पर साइकिल चला रहे हो, बड़ी बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, अगर बरसात हो जाए तो उसी रोड पर साइकिल चलाने में आपको डर लगेगा, यानी स्लिप होने का भी खतरा है। तो वो सब जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में वो सब किसके अंदर आता है, घर्षण के अंदर आता है। तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको हम भौतिक विज्ञान से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हमें यही सब चीजें जो हैं भौतिक विज्ञान की, ये सब चीजें इन्हीं की हमें स्टडी करनी है, इन्हीं को हमें विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करना है। तो आइए अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। देखिए भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। सबसे पहला है चिरसम्मत,
चिर सम्मत भौतिकी, और जो दूसरा है वो है आधुनिक भौतिकी। सबसे पहला नंबर का है चिर सम्मत भौतिकी और जो दूसरा है वो है आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी को हम इंग्लिश में क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भौतिक विज्ञान को उनके अंदर हुई खोजों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अलग अलग साल में अलग अलग खोजें हुई हैं, तो खोजों के आधार पर जब जब चीजों को खोजा गया उस आधार पर हमने भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा है, जिसमें नंबर एक है आपका चिर सम्मत भौतिकी और नंबर दो है आपका आधुनिक भौतिकी। नंबर एक आपका चिर सम्मत भौतिकी और नंबर दो आधुनिक भौतिकी। तो बता दें हम आपको चिर सम्मत भौतिकी क्या है। ऐसा भौतिक विज्ञान जो वर्ष 1900 से पूर्व भौतिक विज्ञान में जितनी भी खोजें हुई हैं, अगर वर्ष 1900 से पूर्व जितनी भी खोजें हुई हैं, उन सभी खोजों को किसके अंदर रखा गया है, चिर सम्मत भौतिकी के अंदर रखा गया। यानी वर्ष 1900 से पहले जो जो खोजें हुई थी वो सब डाल दी गई किसके अंदर, चिर सम्मत भौतिकी। और वर्ष 1900 के पश्चात, वर्ष 1900 के पश्चात से लेके आज तक 2020 तक जितने भी खोजे हैं वो सब किसमें आ गई, आधुनिक भौतिकी। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपकी चिर सम्मत भौतिकी और एक है आपकी आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो वर्ष, मतलब जो भी भौतिक विज्ञान में खोजे हुई है, शाखा तो नहीं है ये तो भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण है। भौतिक विज्ञान में जितनी खोजे जिस जिस साल में हुई उस आधार पर हमने इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वर्ष 1900 से पूर्व जितनी भी खोजे हुई थी उनको हमने चिर सम्मत भौतिकी में डाल दिया, और वर्ष 1900 के पश्चात जितनी भी खोजें हुई हैं उसको हमने आधुनिक भौतिकी में डाल दिया। 1900 से पहले जो खोज थी वो चिर सम्मत भौतिकी में, और 1900 के बाद जितनी भी खोजें वो सब आधुनिक भौतिकी के अंदर इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, तो हम इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चिर सम्मत भौतिकी का, आइए अध्ययन करते हैं। देखिए, चिर सम्मत भौतिकी, आइए आज हम इनका अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारी जो चिर सम्मत भौतिकी में आती है वो आती है यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी जिसे हम अंग्रेजी भाषा में मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है, नाम से पता चल रहा होगा, यंत्र यानी इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट या मशीन। देखिए, मशीन एक तरह का अरेंजमेंट होता है, मशीन में बहुत सारे भाग होते हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है। मशीन में बहुत सारे भाग होते हैं जिनका अलग अलग क्या होता है, वर्क होता है, अलग अलग कार्य होता है।
ठीक है ना। तो यांत्रिकी क्या होती है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मशीनों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि ये मशीन किस सिद्धांत पर कार्य कर रही है, इस मशीन में क्या फर्क है। और मशीन क्या होती है, कई लोग बच्चे समझ नहीं पाते कि यंत्र मशीन क्या होती है। हर वो चीज जो मनुष्य का काम आसान करे वो एक यंत्र है। मोबाइल एक यंत्र है, मार्कर आपका ये काम कर रहा है, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी मशीनों में नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें। अब जैसे मैं एक बात कहता हूं, यांत्रिकी को भी दो भागों में बांटा गया है, दो विस्तृत इसकी शाखाएं हैं। एक इसकी है स्थैतिकी और एक है इसकी गतिकी। स्थैतिकी को हम इंग्लिश में स्टैटिक्स और इसको डायनामिक्स, थोड़े थोड़े अंग्रेजी शब्द भी आप लोगों को आने चाहिए, अच्छा रहता है ताकि टेक्निकल वर्ड्स आपको कम से कम पता हो। तो यांत्रिकी को भी दो भागों में बांटा गया, यानी मशीन को भी दो स्थिति में अध्ययन किया जाता है। एक तो है स्थैतिकी, नाम से ही पता चल रहा है, स्थैतिकी यानी कि नॉन मूवेबल। इसमें ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें आप ऐसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे या ऐसी मशीनों का अध्ययन करेंगे जो गति ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा भी है, पॉसिबल है? बहुत पॉसिबल है, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं लेकिन वो गति नहीं करती। जैसे जनरेटर गति नहीं करता है, आटा चक्की कहीं लग गई तो लग गई एक जगह पे, जनरेटर हुआ गति नहीं करता है। और भी बहुत सारी मशीनें हैं जैसे मूवेबल ना हो, जो गति ना करे, कोई भी आप अपने आसपास जो मशीन देखें जो गति ना कर रही हो, पानी की मोटर वो भी स्थितिकी में आ गई। लेकिन गति का सिस्टम उल्टा है, गति में ऐसी मशीनों का अध्ययन किया जाता है जो गति करती हैं। गति की आपके भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आप ऐसी मशीनों का अध्ययन करेंगे जो मूवेबल होंगी अर्थात गतिमान होंगी, ठीक है, वो गति होगी। ये तो स्थैतिकी और ये आपकी क्या होगी, गति की। तो फिजिक्स में, आपकी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, चार चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे 11वीं कक्षा में। गति में का एक एग्जांपल देता हूं आपको, लिफ्ट देखिए आपने, लिफ्ट हाँ, आदमियों को ऊपर नीचे ले जाने वाली वही लिफ्ट आपने देखा होगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे कोई बजरी का टैंकर, बजरी आ जाती थी घरों के आसपास, तो उसके साथ 2-3 मजदूर आते थे उस बजरी को खाली करने के लिए, अनलोड करने के लिए। लेकिन आजकल नहीं है, आजकल बजरी वाला आता है साथ में पीछे एक लीवर लगाता है और यूं उठा देता, खत्म, पूरी की पूरी ट्रॉली को अकेला वही उठा के चला जाता है, एक आदमी अकेला आता है वही काम करके चला जाता है। तो वो जो लिफ्ट वाली मशीन है ना, वो गतिमान है। कैसी मशीन है? गतिमान है। तो गतिमान मशीनों का अध्ययन गति में किया जाता है, लिफ्ट का ऊपर जाना नीचे आना, लिफ्ट में क्या महसूस होता है अपन को, वो सब आता है। ये चार चैप्टर, 3, 4, 5, 6 ये चैप्टर जो आपके हैं भाई साहब, ये सब आपको जो मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं वो यांत्रिकी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि 11वीं क्लास में इसका काफी महत्व है। दूसरी ब्रांच देखिए, दूसरी है गुरुत्वाकर्षण। हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण अभी मैंने बात नहीं की थी। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के अंदर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, इसके इसी गुण को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ही है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मैंने अभी इसके बारे में आपसे बात की है,
तो आप समझ चुके होंगे गुरुत्वाकर्षण में आप क्या पढ़ेंगे, है ना। और आपको बता दूं मैं एक बात और, ये आपकी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो गुरुत्वाकर्षण संबंधित है, यानी चिर संबंध भौतिकी में ये वर्ष 1900 से पहले ही ढूंढ लिए गए थे। इसका जो श्रेय जाता है गुरुत्वाकर्षण को ढूंढने का जो श्रेय जाता है वो न्यूटन को जाता है। किसको जाता है? सर आइज़ैक न्यूटन को। ऐसा कहते हैं कि न्यूटन गार्डन में लेटा हुआ था और उसके ऊपर एप्पल आके गिरा था। इस पर कई जोक भी बनते हैं, तो उसकी वजह से ही गुरुत्वाकर्षण की पूरी थ्योरी आई थी। मैंने वैसे बता दिया आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में, काफी कुछ बता दिया। आज हम लोग, पहले की सोच अलग थी, अब सोच अलग है, अब हमारे पास सब चीजों के कारण है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा विस्तृत अध्ययन हम वैसे नोट्स में भी दे देंगे और वैसे भी हम आपको बता चुके हैं। आगे चलते हैं सर। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत भी और चुंबक भी, बिल्कुल। विद्युत का मतलब होता है आवेश और चुंबक का मतलब, चुंबक का मतलब होता है पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर आप आवेशों का, जैसे धनावेश और धनावेश क्या आप अनुभव करेंगे प्रतिकर्षण पर, है ना, और नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या अनुभव करेंगे प्रतिकर्षण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या अनुभव करेंगे आकर्षण। तो विद्युत चुंबकत्व क्या है? देखिए, विद्युत चुंबकत्व जो है ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर आप विद्युत और चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। आवेशों का तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, साथ में विद्युत और चुंबकत्व का भी अध्ययन करेंगे। मैं सोचता हूं आपने दसवीं क्लास में ये बात पढ़ी होगी कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसको हम कहते हैं। ये दोनों चीजें बेटा आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर किसी चालक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आपको याद दिलाता हूं। ऐसा था, एक कॉइल होती थी, एक कुंडली होती थी जिसको हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते थे और ये हमारा एक मैग्नेट होता था नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे ही किसी मैग्नेट को उसके पास लेके आते थे इसमें क्या होता था, विक्षेप आता था, फैराडे का प्रयोग था। अगर किसी नॉर्थ पोल या किसी बार मैग्नेट को, किसी छड़ चुंबक को कुंडली के पास लाया या ले जाया जाता था तो इसमें विक्षेप आता था, यानी कि चुंबक में परिचुंबक के लाने ले जाने से, गति कराने से आपने विद्युत धारा उत्पन्न कर ली थी। इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते थे। तो विद्युत चुंबकत्व तो हालांकि 11वीं क्लास में तो नहीं है, ये 12वीं क्लास में मिला, 12th में चला गया, पहले भी 12वीं में था और सिलेबस चेंज होके आया है तब भी ये 12वीं में ही है, कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि 12वीं से उठा के 11वीं में उठे हो, अभी भी ये 12वीं में, ठीक है। तो विद्युत चुंबकत्व तो आपके भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आप विद्युत का, चुंबकीय गुणों का या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का या चुंबकीय गुणों में परिवर्तन करके विद्युत धारा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड नोट्स भी आपको रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप इनको अपनी एक फेयर कॉपी में नोट करते जाइए। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, यानी एक सामान्य परिचय है फिजिक्स का, सामान्य परिचय है फिजिक्स का। हाँ, आज जरूर थोड़ा सा आपने चिर संबंध भौतिकी और वर्गीकरण के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है। तो कोशिश ये करते हैं ज्यादा से ज्यादा बार वीडियो को देखिए और साफ साफ राइटिंग में अपने नोट्स को उतारते चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।